नमस्कार दोस्तों, आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल होगा, वो भी आपके लिए। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो जरा से भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने एक कटोरी ले लिया है और मैंने इसमें एक चम्मच नमक डाल लिया है। तो दोस्तों, ये जो नमक मैंने डाला है, इसका ट्रिक बहुत अच्छा है। तो चलिए मैं इसका यूज दिखाती हूँ कि इसका यूज क्या होता है। तो देखिए, मैं फ्रिज में आ चुकी हूँ, जो मैं ये वेजिटेबल फ्रूट वगैरह रखते हैं, तो उस टोकरी में देखिए मैंने ये नमक की कटोरी रख दिया है। तो ये आप देख रहे होंगे, जो भी सब्जी में पानी वगैरह आता है तो नमक रख देंगे इस तरह कटोरी में, तो पानी नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला ट्रिक देख लेते हैं। ये हमारा दूध से है। तो दोस्तों, अक्सर क्या होता है, जब भी हम फ्रिज में दूध रख देते हैं, 3 से 4 दिन दूध हो जाता है, तो अक्सर ये हमारे दूध में एक स्मेल सी आने लगती है, और यानी कि खटासपन सा आने लगता है। तो देखिए, इस तरह से ऐसा होता है कि दूध खराब हो चुका है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। तो देखिए क्या करना है, मुझे एक चुटकी नमक लेना है, ज़्यादा नहीं, मुझे एक चुटकी नमक लेना है। ये हमारा लगभग ये 3 पाव दूध है, तो नमक लेना है, इसमें डाल दिया है, और इस तरह मिक्स करके इसको आप रख दीजिए। कम से कम 1 हफ्ते तक के ये दूध रखेंगे, आपके दूध में स्मेल नहीं आएगा और दूध आपका ख़राब नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, आलू मैंने छील लिया है। अक्सर क्या होता है कि नया आलू जब भी ऐसा होता है, जब भी हम यूज करते हैं, तो इसको ज़रा सी देर नहीं होता है, ये काला होने लगता है। तो देखिए, ये काला ना हो, इसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक है। जब भी कभी ऐसा होता है कि जब भी हम सब्जी वगैरह काट देते हैं, आलू बच जाता है, तब भी ऐसा होता है कि ये काला हो जाता है, हमें समझ नहीं आता है। देखिए, मुझे करना क्या है कि इसमें पानी डाल के अच्छी तरह मुझे इसको 2 से 3 पानी धुल लेना है। तो देखिए, अच्छी तरह इसको हाथों से इसको रगड़ के अच्छी तरह से धुल लेना है। तो देखिए, मैंने धुल लिया है 2 से 3 पानी, जितना भी इसका स्टार्च वगैरह था आलू का निकल चुका है। तो देखिए, इस तरह से आप इसको धुल के 2 से 3 पानी, और इसमें दोबारा पानी डाल के, और इसको आप स्टोर करके 3 से 4 दिन 5 दिन आप इस तरह रख देंगे, तो आपका आलू ख़राब नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्रेश दिखेगा, जैसे हमने ताज़ा आलू काटा है ना, बिल्कुल इसी तरह दिखेगा। तो दोस्तों, इस तरह फ्रिज में रख दीजिए, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसको यूज कर सकते हैं। होप करते हैं दोस्तों कि वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। चलिए अगला ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए, अगला ट्रिक है हमारा है एप्पल से। तो दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब भी हम एप्पल थोड़ी देर पहले काट लेते हैं, तो ये एप्पल हमारा काला पड़ जाता है। तो देखिए, मैं रियल में इसको आधा घंटा हो गया है, मैंने इसको काट लिया है और काट के रखा था। तो देखिए, बिल्कुल ये काला पड़ चुका है, बिल्कुल ये सेब का कलर चेंज हो चुका है। तो देखिए, जब भी हम सेब वगैरह काटते हैं ना, ऑफिस जाना होता है, बच्चों को लंच में देना पड़ता है, तो देखिए मुझे करना क्या है, एप्पल को काट लीजिए। आप जिस भी आकार में काटना चाहे उस आकार में काट सकते हैं। देखिए, मैंने ये हनी लिया है, यानी शहद लिया है। शहद को मैं 1/4 चम्मच हिस्सा इसमें पानी में डाल कर इस तरह मेल्ट कर दूँगी सेव में, अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए, ताकि जितना ये शहद का असर है, अच्छी तरह ये एप्पल में आ जाए। तो चलिए, मैं इसको अच्छी तरह देखिए मैं मिक्स कर ले रही हूँ, और चम्मच की हेल्प से कर रही हूँ, और आपको लगे तो आप हाथ की भी हेल्प से कर सकते हैं। देखिए, मैं अच्छी तरह इसको धुल ली हूँ उसी में शहद के पानी में, और मैं दूसरे बर्तन में इसको मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और इसको देखिए, ट्रांसफ़र करने के बाद आप देख पा रहे होंगे मैंने एप्पल इसमें डाला था, कितना इसमें एप्पल में से निकला हुआ है। तो दोस्तों, इस ट्रिक आप ज़रूर आजमाएं। देखिए, अब मेरा सेब बिल्कुल फ्रेश हो चुका है, जैसे कि मैंने काटा हुआ है। होप करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चलिए अगला ट्रिक देख लेते हैं। अगला ट्रिक ये हमारा है किसी भी ऑयल से। तो दोस्तों, क्या होता है कि किसी भी कपड़े पे तेल ऐसा होता है कि कभी ऐसा अचानक गिर जाता है, तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, मैंने ये नारियल का तेल लिया हुआ है, मैं लगा रही हूँ कपड़े में, इस तरह से लगा रही हूँ। आप किसी भी कपड़े में इस तरह से देख लीजिए, लगा के मैं इस तरह से लगाई हूँ नारियल का तेल। और देखिए, जल्दी ऐसा होता है कि हमने लगा लिया है तो हमें धोना है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए, मैंने लगा लिया है, तो मुझे करना क्या है, आप कोई सा भी इस पर पाउडर ले लीजिए, कोई सा भी पाउडर ले लीजिए आपके घर में जो भी है। तो देखिए, मैंने इस पर डाल दिया है जहाँ पर मैंने तेल लगाया हुआ है, और अपने हाथों से अच्छी तरह इस पर रगड़ दीजिए। 1 से 2 सेकेंड तक इसको अच्छी तरह मेल्ट करके अच्छी तरह
इसको हम 10 मिनट के लिए, देखिए इस तरह रगड़ दिया है, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जितना भी इसी तेल है ना, ये पाउडर में अब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखिए 10 मिनट हो चुका है, मैं आपको दिखा रही एक चाकू के हेल्प से। देखिए इस तरह से आप छुड़ाएंगे ना, तो जो भी तेल है पाउडर के साथ आपका ये बाहर सारा चलाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ चाकू के हेल्प से, मैं इस तरह से देखिए साफ कर रही हूँ। थोड़ा कपड़ा वैसा है ना जालीदार, तो आपको लग रहा होगा। तो देखिए इसी तरह से पूरा ये साफ हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा रहता है जब कभी भी अचानक तेल गिर जाता है तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों धोने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से देखिए आप पाउडर को डाल दीजिए और चाकू के हेल्प से हल्के हाथ से इसको आप साफ कर लीजिए। पूरी की पूरी ये परत उतर जाता है। तो देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं छुड़ा रही हूँ, तो चलिए मैं इसको झाड़ के भी दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ, मैंने कपड़े को धोया नहीं है, बिल्कुल ये क्लीन हो चुका है। जहाँ मैंने इतने सारे तेल लगाया था बिल्कुल ये साफ हो चुका है। तो होप करती हूँ दोस्तों कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए अगला ट्रिक देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला ट्रिक है हमारा ये मिक्सी के जार से। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है कि इस तरह से हम मिक्सी के जार तो रख देते हैं और मिक्सी में पीलापन भी, और मिक्सी में इस तरह से स्मेल भी हल्का हल्का आने लगता है, क्योंकि हम मिक्सी तो यूज कर लेते हैं लेकिन इसको अच्छी तरह हम धुल नहीं पाते हैं। तो देखिए इसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक है कि देखिए ये हमने ले लिया है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो हम सभी के घरों में अक्सर होता है, जैसे कि हम न्यूज़पेपर लेते हैं तो ये देखिए क्यों ना हम इसको यूज़ करें। देखिए हम न्यूज़पेपर को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह तोड़ के और मिक्सी के जार में डाल देते हैं। तो देखिए हमने डाल दिया है इसको इसमें। तो मुझे करना क्या है, अब मैं इसमें डालूँगी एक पिंच मीठा सोडा। तो देखिए मैंने मीठा सोडा डाल दिया है इसमें थोड़ी सी, और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद इसको आप चम्मच से मिक्स करके इसको आप, अगर आपके पास टाइम है तो 15-20 मिनट के लिए रख दीजिए, और नहीं तो इसको एक बार ग्राइंडर कर लीजिए। देखिए मैंने ग्राइंडर कर लिया है। ग्राइंडर करने से क्या होता है, थोड़ा इसी पेपर से हम अच्छी तरह इसमें मेल्ट कर देंगे ताकि जो मिक्सी में पीलापन है अच्छी तरह ये साफ़ हो जाए। तो देखिए मैंने उसको पूरी की बाल्टी में डाल दिया जितने भी पेपर थे, और इसको मैं अच्छी तरह, आप देख रहे होंगे कि जार पहले से काफ़ी हद तक ये क्लीन हो चुका है। होप करती हूँ दोस्तों कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में।